नमस्कार। सक्सेस वारी चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं रवि पांडे। आज हम लोग जीएस पॉइंट ऑफ व्यू मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे केवल प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर हम मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करें तो उससे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम अधिकार क्या होता है उसको जान लें। जब अधिकार क्या होता है इसको जान लेंगे तो मौलिक अधिकार को समझने में हमें आसानी होगी। राइट, अधिकार क्या है? कह रहा है कि अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। पहला कथन ये हो गया। दूसरा को कहता है कि अधिकारों को समाज द्वारा प्राप्त और राज्य द्वारा स्वीकृत तर्कसंगत दावों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जब अधिकार की परिभाषा यह हो गई, अब प्रश्न उठता है कि अधिकार कितने प्रकार का होता है। ठीक, यानी कि अगर हम मौलिक अधिकार पढ़ने जाते हैं तो अधिकारों के प्रकार में ही वो मौलिक अधिकार छिपा हुआ है। तो अधिकार का प्रकार जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिक मौलिक अधिकार की जानकारी हो जाएगी। तो ये निम्न प्रकार का हो सकता है। पहला कह रहा है कि प्राकृतिक अधिकार, जिसे नेचुरल राइट्स आप कहते हैं। कह रहा है कि ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उनके मनुष्य होने के कारण जन्म से उपलब्ध है। अब उसको थोड़ा सा व्यवहार देके समझो कि मान लो कि ये मनुष्य है ए, इसका जन्म हो गया तो प्रकृति ने इसे जीने का अधिकार दे दिया। किसका अधिकार दे दिया? जीने का अधिकार दे दिया। इसे खाने का अधिकार दे दिया। इसे कहा जब तुम पैदा हो गए तो इधर उधर घूमो, घूमने का भी अधिकार दे दिया। यह बाय बर्थ उसे मिल गया और उसे नेचर ने प्रदान किया है। दूसरा, मानवा अधिकार, यानी कि जो आपका प्राकृतिक अधिकार था उसमें उसका डेवलप रूप है, उसका विकसित रूप क्या है? मानवा अधिकार, ह्यूमन राइट। अर्थात कि इन्हें प्राकृतिक अधिकारों का व्यवहारिक संस्करण माना जा सकता है। और सबसे इंटरेस्टेड बात है जो आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है एक फैक्ट के रूप में, कि यूएनओ ने 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की। तो हमें 1948 और यूएनओ, इन दोनों के बारे में याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते। एक तीसरे प्रकार का अधिकार है, वह है नागरिक अधिकार, जिसे हम लोग सिविल राइट बोलते हैं। अब स्वाभाविक बात है कि नागरिक है तो उसको कौन देगा? जिस देश का वो नागरिक है उसको वो प्रदान करेगा। वो कैसे प्रदान करेगा? तो कह रहा है कि एक विधि बना देगा, एक लॉ बना देगा, एक कानून बना देगा, या जो उस देश का संविधान है उसके द्वारा उसे दे दिया जाए। यानी कि ये अधिकार देश के विधि द्वारा या संविधान द्वारा प्रदान कर दिए जाते हैं। एक चौथे प्रकार का अधिकार है जिसे हम लोग कहते हैं विधिक अधिकार, लीगल राइट। ये वे नागरिक अधिकार होते हैं जो विधायिका द्वारा पारित विधियों से प्राप्त किया जाता है। यानी कि जो विधायिका है जो रूल पारित कर, जो नियम कानून, जो कानून पारित कर देती है उससे जो है प्राप्त किया जाता है। जैसे हम लोग कह देते हैं संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का लीगल राइट है। संपत्ति का अधिकार क्या है? एक प्रकार का लीगल राइट है। अब हम लोग देखते हैं संवैधानिक अधिकार, यानी कि जो किसी भी देश के संविधान में जो अधिकार दिए जाते हैं उन्हें हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं। अब जब संवैधानिक अधिकार कहते हैं तो हम मान लेते हैं कि ए से लेकर बी तक एक राइट दिया गया है। ठीक, अब बीच में एक बॉर्डर है सी, यानी ए से लेके सी तक जो राइट है यह विशिष्ट है। यह क्या हो गया? विशिष्ट है, स्पेशल है। और बी से लेके सी तक यह राइट सामान्य है। यानी कि अधिकार तो दोनों है। हमने कहा कि जो अधिकार है वो ए से लेके बी तक है, लेकिन उसमें जो सी बीच में आ रहा है, लेकिन कह रहा कि जो ए से जब हम सी तक जाते हैं वो जो अधिकार है वो विशिष्ट है, स्पेशल है, और जो सी से बी तक के राइट है वो सामान्य है। अर्थात कि ये अधिकार संविधान में उल्लिखित होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं और कुछ विशेष, और कुछ अधिकार को विशेष दर्जा प्राप्त होता है, जैसे मूल अधिकार।
फंडामेंटल राइट, राइट। अब हम लोग मूल अधिकार पे आ जाते हैं। तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट यह संवैधानिक अधिकारों की एक शाखा है, यानी कि इसका इसका संविधान में जिक्र है, उसकी एक शाखा है और इन्हें विशिष्ट दर्जा प्राप्त है। अब विशिष्ट दर्जा प्राप्त होने का तात्पर्य मैं आपको समझाऊं। अब आप कहेंगे कि इसको मौलिक अधिकार क्यों कहा गया, मैं कह दूं ये मोबाइल है जिसे आप मार्केट में परचेस करने जा रहे हैं, ये दो मोबाइल आपके सामने है, एक मोबाइल आपने लिया और उसमें आपने अपना पेमेंट किया, उसमें कोई आपको गारंटी नहीं मिली, लेकिन जो दूसरा मोबाइल है जब आप इसको परचेस करते हैं इसमें कहता है कि हम इतने साल की इसकी गारंटी देते हैं, यानी कि मोबाइल दोनों की है, दोनों ही मोबाइल है, एक में गारंटी नहीं है, अर्थात कि इसकी इसका नेचर क्या है, एक सामान्य प्रकार का नेचर है। एक कहता है कि हम गारंटी दे रहे हैं, अर्थात कि वो विशिष्ट हो गया, एक विशेष और स्पेशल प्रकार का है। तो जब गारंटी दे दी जाए किसी चीज का तो वह हो जाएगा मूल अधिकार, अर्थात कि ये जितना भी आपने राइट देखा है सिर्फ गारंटी अगर संविधान में किसी को मिली है तो वह है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार, ठीक। यानी कि जो अधिकार को गारंटी दे दी गई किसके द्वारा, संविधान के द्वारा, उसे हम लोग मूलाधिकार कह सकते हैं। अब कह रहा कि मूलाधिकार कहने का आशय क्या हो सकता है, यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। जब हम चहुमुखी विकास कहते हैं तो उसका भौतिक विकास, उसका नैतिक विकास, उसका आध्यात्मिक विकास एटसेट्रा इत्यादि प्रकार का, इत्यादि प्रकार का जो विकास है हम उसकी बात कहने की कोशिश करते हैं। फिर नंबर दो कहता है कि देश की मूल विधि यानी जो संविधान है उसके द्वारा इसे गारंटी प्रदान की गई है, उसे क्या कर दी गई है, गारंटी प्रदान की गई। और जो तीसरा महत्वपूर्ण बात है, कह रहा है ये व्यक्ति के शासन के स्थान पर विधि का शासन स्थापित करता है, ये व्यक्ति के शासन के स्थान पर विधि ला को इम्पोज करता है, एस्टेब्लिश करता है। इसकी दो विशेषताएं हम लोग देख सकते हैं, इस यानी कि इसका अगर वर्गीकरण करें तो दो प्रकार के चीजों को हम लोग देख सकते हैं। एक तो अधिकार नागरिकों के लिए है, एक अधिकार व्यक्तियों के लिए है। तो स्वाभाविक बात है नागरिक शब्द से अस्पष्ट हो जा रहा है कि जो भारत का नागरिक है उसके लिए है, जैसे कि अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 30 है इत्यादि एक्सेट्रा। और जो व्यक्ति के लिए है तो हम मान लेते हैं अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 23 है। तो अब हमें यहां थोड़ा सा यह जान लेना आवश्यक है कि व्यक्ति में क्या आएगा, व्यक्ति हम किसे कहेंगे। अगर इस व्यक्ति को राइट्स मिला है उस अनुच्छेद व्यक्तियों के लिए भी है तो व्यक्ति हम किसे कहेंगे। एक उसमें नागरिक शामिल होगा, कौन शामिल होगा, नागरिक शामिल होगा, उसमें अनागरिक शामिल होंगे, यानी कि जो देश के नागरिक नहीं है विदेशी हैं, अनागरिक शामिल होंगे, और जैसे कुछ संस्थाएं जैसे होटल है, निगम है वगैरह वगैरह, ये संस्थाएं भी क्या होंगी, यह भी शामिल हो जाएंगी, इसको हम लोग जो है व्यक्ति कहेंगे, ठीक। अब प्रश्न उठता है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है यह असीमित नहीं है, यानी कि जिस मौलिक अधिकार को गारंटी दी गई है राज्य के द्वारा यह असीमित नहीं है, इन पर कुछ राज्य कुछ इन पर शर्तें लागू कर सकती हैं, राज्य इन पर क्या कर सकती हैं, कुछ शर्तें लागू कर सकती हैं। अर्थात कि अब मैं आपसे कह दूं कि आपको राइट टू स्पीच है, बोलने का अधिकार है, क्या है, बोलने का अधिकार है। अब बोलने का मतलब क्या है, आप किसी को गाली देंगे, नहीं गाली देंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, आप कह देंगे कि हमारा बोलने का अधिकार है तो इसका उत्तर होगा नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यही कहा आपको समझाया है कि जो राइट आपका है, राइट जो मौलिक अधिकार है वो असीमित नहीं है, इन पर कुछ शर्तें लागू हैं, यानी कि जब आप किसी को बोलते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगले का मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और फिर कहता है कि यह अस्थाई नहीं है, यह अस्थाई नहीं है, संसद संशोधन के माध्यम से इसमें कटौती कर सकती है। तो आप आपका प्रश्न उठा, एक आपके आपका एक और प्रश्न दिमाग में होना चाहिए, क्या ऐसा कभी हुआ है, तो आपका उत्तर होगा हाँ,
44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, यानी कि यह अस्थाई नहीं है, इसमें संसद संशोधन करके इधर उधर कर सकती है, जिसका एक एग्जाम्पल 44वां संविधान संशोधन 1978 है। कह रहा है कि तब इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसका जो स्वरूप है वह नकारात्मक है, यानी कि यह जो आपका फंडामेंटल राइट है वह नकारात्मक और सकारात्मक स्वरूपों का एक मिश्रण है, एक सम्मिश्रण है। तो अगर नकारात्मक स्वरूप हम की चर्चा करें तो हम अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 27 के संदर्भ में उसे हम देख सकते हैं। यदि हम सकारात्मक पक्ष की बात करें तो हम अनुच्छेद 32 को देख सकते हैं, एक सकारात्मक पक्ष है इसका, जिसके बारे में, इन अनुच्छेदों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आपको बस ऐसे ही जानने की आवश्यकता है। आगे हम लोग देखते हैं संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो आप कहेंगे कि संविधान के भाग 3। अब देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वैश्विक दृष्टिकोण से, ब्रिटिश भारत के दृष्टिकोण से और स्वतंत्र भारत के दृष्टिकोण से। यानी कि जब हम मौलिक अधिकार को देखेंगे तो हमारे देखने का नजरिया कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो वैश्विक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमें यह पहले जानना पड़ेगा कि इसका विकास कहाँ हुआ। तो आपको यह जानना चाहिए कि इसका विकास ब्रिटेन में हुआ, यानी मौलिक अधिकार का विकास कहाँ पे हुआ, आपका प्यारा सा आंसर होना चाहिए कि यह ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में कैसे हुआ, कहा जाता है कि ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा 1215 में एक अधिकार पत्र, यानी जिसे हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं, जारी किया गया। यहाँ पे जारी है, जारी गलती से लिखा गया, सॉरी, जारी किया गया, जिसे मौलिक अधिकार संबंधी प्रथम दस्तावेज था, जो मौलिक अधिकार संबंधी प्रथम दस्तावेज था। यानी कि 1215 में सम्राट जॉन ने एक हस्ताक्षरित लिखित दस्तावेज जारी किया मूल अधिकारों से संबंधित। एक और आप लोग देखेंगे कि फ्रांस में एक क्रांतिकारी डेवलपमेंट होता है, वहां के शासक लुई 16वां को मौलिक अधिकार के उल्लंघन में फांसी दे दी जाती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है निम्न में से किस देश के शासक को फांसी दी गई, तो आपका आंसर होगा कि फ्रांस के। किसको फांसी दी गई, तो आपका आंसर होगा लुई 16वां को, राइट। अब लोग यहां आते हैं, यूएसए ने 1791 में संविधान संशोधन कर बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर मौलिक अधिकार संबंधी प्रावधान किया, राइट। यानी कि यूएसए के मूल संविधान में यह अनुपस्थित था। इसको जब संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, इसका तात्पर्य क्या है कि यूएसए का जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकार अनुपस्थित था। इसे इस डेट में 1791 में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जोड़ दिया गया। अब ब्रिटिश काल में देखते हैं कि मौलिक अधिकार, तो ब्रिटिश काल हम लोग औपनिवेशिक काल में तो यह समझ सकते हैं कि सरकार ने तो कुछ किया नहीं होगा, तो इसकी मांग अगर पहली बार देखा जाए तो संविधान विधेयक 1895 में पहली बार की गई थी, संविधान विधेयक 1895 में। कह रहा है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। यहां पे आपका जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि नेहरू रिपोर्ट कब बना, तो आपका आंसर होगा 1928 को। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की बात कही गई, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कराची के अधिवेशन कब हुआ, तो आप कहेंगे कि 1931 में हुआ। कराची अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो आप कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर आप लोग देखेंगे कि एक संविधान सभा का गठन होता है। इस संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन हुआ। अगर आपसे पूछ दिया जाए परामर्श समिति का गठन किसने किया था, तो आपका आंसर क्या होगा, संविधान सभा ने किया था। किसने किया था, संविधान सभा किसने किया था,
और उसका अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान में स्थिति क्या है मौलिक अधिकार की, यानी कि जो हमारा संविधान है उसमें स्थिति क्या है। तो उसमें हम लोग देखते हैं भाग तीन में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 12 से 35 में है। कहा गया कि राज्य के खिलाफ है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आप यहां देख रहे हैं अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इसका जो नेचर है वह वाद योग्य है। अब वाद योग्य को अगर हम लोग डिस्कस करें तो वाद योग्य का मतलब क्या होगा कि अगर इसके साथ कोई छेड़खानी होती है या उल्लंघन होता है तो हमारे पास इसके उपचार के लिए कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे 32 अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कह सकते हैं प्रभु मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, अतः मैं आपकी शरण में आया और मुझे आप लोग संवैधानिक उपचार दीजिए। यानी कि मूल अब प्रश्न उठता है कि तब मूल अधिकार का प्रकार कितना है। तो याद रखिएगा जब मूल अधिकार मूल स्वरूप जो इसका था, यानी कि मूल जब स्वरूप मतलब था, तो इसमें सात प्रकार के मौलिक अधिकार थे जो यहां पे मेंशन है। सात प्रकार के मौलिक अधिकार थे यानी कि मूल में था। तो प्रश्न उठता कि वर्तमान में कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो आपने कहा कि भैया ये 7 से 6 कैसे हो गया, आपके जहन में ये प्रश्न आएगा। तो उसका उत्तर है यहां पे दिया है कि 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ? कह रहा कि 1978 में हुआ, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। आप प्रश्न उठा भाई अगर मान लेते हैं तब ये कितना हो गया, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया तो वर्तमान में कितना रह गया? 6 रह गया। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा कि वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं, तो आपका प्रॉपर आंसर होगा 6। अगर आपसे ये कहा जाए कि मूल रूप से कितने मूल अधिकार थे, इसका मतलब कि वह उस समय की बात कर रहा है जब इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया था, तो इस दृष्टिकोण से आप कहेंगे 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर मान लीजिए कि 44वां संविधान संशोधन 1978 हो गया, तो वर्तमान में वह संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है और किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है? तो हमें यह भी इसी समय जान लेना चाहिए, वर्तमान में संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार, एक लीगल राइट के रूप में मौजूद है। पहले यह कहां था? मौलिक अधिकार के रूप में था। अब वर्तमान में कैसे अधिकार के रूप में है? एक विधिक, एक लीगल राइट के रूप में मौजूद है। आगे हम देखते हैं, तो आप प्रश्न उठता है कि वो जो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? तो आपका जो पहला आंसर है समानता का अधिकार। कौन सा ऐसा अधिकार? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। और ये यहाँ पे थोड़ा सा संवैधानिक उपचार या सांविधिक ऐसे लिखा जाएगा, सांविधिक उपचार का अधिकार आप कहेंगे अनुच्छेद 32 को। इस अनुच्छेद 32 की एक क्वालिटी है कि डॉक्टर अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान का आत्मा कहा। अगर आपसे कहा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 32 को। तो आप प्रश्न उठता है कि अनुच्छेद 32 में क्या है, आप कहेंगे सांविधिक उपचार या संवैधानिक उपचार, अर्थात कि हमारे मौलिक अधिकार का यदि किसी राज्य ने हनन कर लिया है तो हम उसके उपचार के लिए अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा?
रिट जारी करेगा, क्या करेगा, रिट जारी करेगा, राइट। अब आगे हम देखते हैं, तो हमने आपसे बताया कि जो जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, हमें राज्य के खिलाफ मिला है। किसके खिलाफ मिला है? राज्य के खिलाफ मिला है। तो अब प्रश्न उठता है कि वह राज्य है क्या, वह राज्य है क्या? अब हम राज्य के बारे में थोड़ा आपको समझाएं। अगर हमारे सामने राज्य शब्द आ जाए, क्या आ जाए, राज्य शब्द आ जाए, तो इस राज्य को हमारे को देखने का नजरिया क्या होगा? हम लोग इसको ऐसे देखेंगे, भाग तीन, भाग चार और भाग छह। भाग तीन में अनुच्छेद 12, भाग चार में अनुच्छेद 36, भाग छह में अनुच्छेद 152, 12, 36। इसका कहने का तात्पर्य है कि भाग तीन इज इक्वल टू भाग चार इज नॉट इक्वल टू भाग छह या अनुच्छेद 152। इसका तात्पर्य है कि अगर हम राज्य को देखें तो हमें देखने, राज्य शब्द की बात मैं कर रहा हूं, राज्य की भी परिभाषा मैं उस पर नहीं आया हूं कि राज्य की परिभाषा क्या है। तो राज्य शब्द के बारे में अगर हम देखें तो भाग तीन में परिभाषा है, अनुच्छेद 12 में, जो सेम परिभाषा है भाग चार के अनुच्छेद 36 में। लेकिन वह परिभाषा जो एक राज्य भाग छह के बारे में कहता है उसमें नहीं है। यानी कि भाग छह का राज्य क्या है, भाग तीन और भाग चार के राज्य से अलग है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि राज्य की परिभाषा कहाँ है। तो राज्य की परिभाषा कह रहा कि राज्य की जो परिभाषा है 21 अनुच्छेद में है, 12 में है, ठीक। अब राज्य में आएगा क्या, वो कह रहा है कि भारत सरकार व संसद, भारत सरकार व संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। यानी कि भारत सरकार व संसद, राज्य सरकार व विधानमंडल, प्राधिकारी अन्य प्राधिकारी, इनको हम मिला दें तो इनको हम लोग राज्य कह देंगे, स्टेट कह देंगे, ठीक। अब आप इसे यूपी बिहार एमपी की तरह में समझिएगा, यह राज्य की परिभाषा है। एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा, निम्न में राज्य किसे कहेंगे, तो इनको इनको संपूर्ण रूप से यहां से लेके यहां तक को हम लोग क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे। और इन्हीं के खिलाफ मौलिक अधिकार नागरिकों को इन्हीं के खिलाफ मिला हुआ है, राइट। मौलिक अधिकार इन्हीं राज्यों के खिलाफ नागरिकों को मिला हुआ है। अब अगला है कि मूल अधिकारों से असंगत विधि, यानी कि ऐसा कोई आर्टिकल है जो हमारे को या स्टेट को, राज्य को ये मना कर रहा है कि आपको ऐसा नहीं करना है, तो आप कहेंगे हाँ है, वह अनुच्छेद 13 है, ठीक। और ये 13 क्या है, कहता है कि सभी मूल अधिकारों का कवच है। अब इस कवच को थोड़ा हम लोग अच्छे से समझ लें, मैं कह दो, अब ये कवच क्या कह रहा है, यह कवच यह कह रहा है कि राज, यह कोई कानून है, हम कहते हैं ए और बी से लेके ये आपका कानून है, ठीक। तो ये कवच क्या कह रहा है, ये कवच कह रहा है कि यह कानून यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, क्या करता है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, तो यह विधि क्या होगी, ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। दूसरी चीज क्या कहता है कि राज्य ऐसा कोई भी विधि, विधि मतलब ला, कानून नहीं बना सकता जो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो। अब मान लो कि फंडामेंटल राइट का कोई लॉ बन गया जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनर्विलोकन कर लेगा, जुडिशियल रिव्यू का करेगा, और यह अगर वो उसको लगता है कि यह जो ला है वो हानन कर रहा है, छोटा कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट को, तो उसको शून्य घोषित कर देगा। तो कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत भारत के सभी विधानों के न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि आप क्या कहेंगे, आप यह कैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, आप कहेंगे सरकार आपने तो कहा था कि अनुच्छेद
13 में स्पष्ट कहा गया था कि राज ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा, कोई लॉ नहीं बनाएगा और जिससे हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो। मौलिक राज्य ने एक एक्स नामक विधि बना दी है जिससे हमको लगता है कि हमारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शरण में आए हुए हैं। तब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उस विधि को पढ़ना शुरू कर देगा, यानी कि उसका रिव्यू करना शुरू कर देगा। उसको जैसा लगेगा, अगर लगेगा कि हाँ वास्तव में हरण कर रहा है, तो उसको तुरंत क्या करेगा, शून्य घोषित कर देगा। यानी कि एक चीज और इसमें यहां देखना है कि 31 के अनुसार वे सभी विधियां जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं शून्य होंगी। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करता हो, इसके इसको लेके हम लोग समझ चुके हैं। नोट में क्या है, यदि राज्य ऐसा कर दे तो व्यक्ति उस विधि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। अब यार अब आपको समझ में आना चाहिए कि जो हमारा, देखिए हमारा जो ज्यूडिशियल सिस्टम है कुछ इस तरीके से है। यहां पर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहां पर आपका हाई कोर्ट है, यहां पर आपका सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन जब हमारे पास कोई डिस्प्यूट होता है तो हम कैसे जाते हैं, हमारे जाने की प्रक्रिया इस तरह होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यह प्रक्रिया मौलिक अधिकार में फॉलो नहीं की जाती है, इस प्रक्रिया का अनुसरण मौलिक अधिकार में नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि हम सीधे चाहे यहां चले जाएं चाहे यहां चले जाएं, यानी कि चाहे हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं चाहे हम लोग हाई कोर्ट चले जाएं। अब हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि कोई लॉ नहीं बनेगा या कोई विधि नहीं बनेगी। अब प्रश्न उठता है तो ये विधि है क्या, ये लॉ है क्या, ये कानून है क्या? तो इसकी भी परिभाषा अनुच्छेद 13 क्लास 3 के तहत आपको दी गई है। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं और कहा गया कि इन्हीं शब्दों को हम लोग विधि कहेंगे या लॉ कहेंगे या कानून कहेंगे। अनुच्छेद 13 क्लास 3 के अनुसार अध्यादेश, आदेश, नियम, उपनियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा जो है, कहा गया ये सब क्या है, लॉ है। ये सब क्या है, लॉ है या विधि है, क्या है, विधि है। यानी कि ये जो विधि है ये ऐसा नहीं हो सकती है जो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दे। जैसे कि हम लोग अध्यादेश के बारे में थोड़ा सा और ऊपर इसको लेके चले जाएं समझने के लिए, तो अध्यादेश कौन जारी करता है, 123 के तहत प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जारी करता है और 213 के तहत राज्यपाल जारी करता है। अर्थात कि राज्यपाल और राष्ट्रपति को के बारे में स्पष्ट कह दिया गया कि आप अध्यादेश जारी करते समय इस बात का ध्यान भी रखेंगे कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग जो है पहला जो राइट हमारा है समानता का अधिकार, इसके बारे में पढ़ते हैं, राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी को बारे में देखें तो ये 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 कुल 5 अनुच्छेद वाला है। कितने अनुच्छेद वाला है ये, 5 अनुच्छेद वाला है। एक बार आईएएस के क्वेश्चन में ये पूछा गया था निम्न में से कौन 5 अनुच्छेद वाला है, तो आप जैसे कि 14, 4, 18 आदमी ऐसे जोड़ेगा तो फिर वो 4 ही होगा, लेकिन 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे आप जोड़ेंगे तो वो 5 होगा। 14 कहता है कि ये सभी व्यक्तियों को दिया गया है। किसको दिया गया है, सभी व्यक्तियों को दिया गया है। हमने ऊपर ही चर्चा कर लिया है कि व्यक्ति क्या है, व्यक्ति का तात्पर्य नागरिक, अनागरिक, विधिक जैसे कंपनी है, होटल है, निगम है इत्यादि। तो कह रहा कि सभी व्यक्तियों को दिया गया है और ये समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार को हम लोग दो, समानता के अधिकार में दो बातें कही गई हैं। वह बातें क्या कही गई हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष समता, एक बात ये कही गई। दूसरा कहा गया विधियों का समान संरक्षण, दूसरी बात ये कही गई। यानी कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का मतलब विधि के सामने न तो कोई छोटा है न तो कोई बड़ा है, राइट। और यह जो कॉन्सेप्ट है समक्ष समता वाला, यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। किसे लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। और इसका एक पक्ष है कि यह नकारात्मक है, यानी नकारात्मक। आप सोचेंगे नकारात्मक कैसे है, तो हमने कह दिया कि यह लॉ है, ठीक, न तो कोई छोटा, यहां इतने लोग खड़े हैं तो
इसका मतलब क्या है कि यह न तो कोई छोटा है न तो कोई बड़ा है, इसका मतलब है कि सभी लोग विधि के समक्ष क्या है, समान है। तो और दूसरी जो बात कही विधियों का समान संरक्षण, यह जो विधियों का समान संरक्षण है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह एक सकारात्मक पक्ष है। कैसा है? सकारात्मक पक्ष है। अनुच्छेद 14 में समाविष्ट विधि का शासन मौलिक अधिकार की विशेषता है। विधि का शासन क्या है? मौलिक अधिकार की विशेषता है। अनुच्छेद 14 वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण की अनुमति देता है। यानी कि वह कहता है कि वर्ग का हम विभेद नहीं करेंगे लेकिन उनका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 के बारे में अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद 15 क्या करता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। विभेद मतलब ये भेदभाव, विभेद का मतलब क्या हो जाएगा? विभेद का मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि यह जन्म के स्थान के आधार पर यह विभेद को रोकता है, भेदभाव को रोकता है और कह रहा कि यह केवल नागरिकों के को प्रदान किया गया है अनुच्छेद 15। लेकिन अनुच्छेद 15 के क्लास 3 में एक बात कही गई, क्लास 3 में क्या कहा गया, एक महत्वपूर्ण बात कही गई कि यदि राज्य को लगता है कि वहां की महिलाओं और बालकों के लिए कुछ किया जाना चाहिए तो उनकी विशेष स्थिति के आधार पर राज्य विशेष प्रावधान करने के लिए मतलब कि छूट देता है। अर्थात कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि 15 क्लास 3 में कहा गया है कि राज्य महिलाओं और बालकों की उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की छूट देता है। अब इसी के आधार पर, इसी 15(3) के आधार पर आप देखेंगे कि आपके वहां महिला आयोग है, महिला कल्याण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जब एक महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित हुआ तो एक ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वो डी पाल राज वर्सेस भारत संघ के संदर्भ में, यानी कि डी पाल राज वर्सेस भारत संघ के वाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को सांविधिक घोषित कर दिया गया। यानी कि लोगों ने डिस्प्यूट पैदा कर दिया कि इससे क्या नाम है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, क्योंकि मौलिक अधिकार में स्पष्ट कहा गया है, 15 ही में ही कहा गया है कि हम जाति लिंग स्थान के धर्म मूल वंश जाति लिंग शख्स के आधार पर कोई विभेद नहीं करेंगे, और चूंकि ये महिला घरेलू हिंसा अधिनियम है ये विभेद करता है, तो कोर्ट ने कहा कि आपने 15 क्लास 3 नहीं पढ़ा है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि राज्य यदि चाहे तो महिलाओं के लिए कुछ कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया जो पिछड़े वर्गों के हितों से संबंधित है। अब प्रश्न उठता है कि पिछड़ा वर्ग कौन, पिछड़ा वर्ग कौन? तो उसका उत्तर है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है वही पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। तो पिछड़ा वर्ग से संबंधित हम लोग, मेरे पास कुछ फैक्ट हैं, हम लोग उसको देख लेते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के तहत करता है। अगर आपसे कहा गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होगा तो आप कहेंगे अनुच्छेद 340 के तहत किया जाएगा। दूसरा है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में गठित किया गया। अगला है कि दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो आपको दिख रहा है का गठन 1 जनवरी 1978 वीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया। फिर उसके संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं कि अनुच्छेद 16 क्लास 4, 15 क्लास 4 का संबंध पिछड़ा वर्ग से है। फिर एक नया डेवलपमेंट होता है, वह डेवलपमेंट है 102वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अनुच्छेद 338 बी, इसको हिंदी में ख बोलते हैं, अंग्रेजी में बी बोलते हैं,
अनुच्छेद 338 भी जोड़ा गया और पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यानी कि जो आपका 102वां संविधान संशोधन है वो पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा देने की बात कहता है और एक नए अनुच्छेद 338 बी को जोड़ने की बात करता है। अगर आपसे एग्जामिनेशन पूछा गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में है तो आपका आंसर होगा 338 बी में है। अगर आपसे पूछा गया कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ तो आपका आंसर है 102वां संविधान संशोधन। इसी के तहत अगर आप लोग देखें तो एक और डेवलपमेंट होता है हुआ है EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। यह जो संविधान संशोधन होता है वह 103वां संविधान संशोधन होता है। इसमें दो नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं 15 क्लास 6 16 क्लास 6 जोड़ा गया और 10% का आरक्षण दिया गया। और ये जो आरक्षण है असैन्य पदों के लिए है। इसके लिए है असैन्य पदों के लिए है। तो EWS भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपसे पूछा जा सकता है। जो समानता के अधिकार में एक महत्वपूर्ण अधिकार है अस्पृश्यता का अंत। ठीक, तो अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करना है, यानी कि अस्पृश्यता छुआछूत को पूर्णतः क्या करना है, समाप्त करना है। और इसका आचरण पूरी तरह से निषिद्ध है। और ये अनुच्छेद 17 क्या कहता है कि इसमें दंड का प्रावधान है। याद रखिएगा, सारे मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पे तो दंड का प्रावधान नहीं है, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिनके उल्लंघन पे दंड का प्रावधान है, उसको अपराध घोषित किया गया है। यदि अपराध घोषित किया गया है तो इसमें यह कहा गया कि इसका यह दंड का विधान करता है और संसद को अधिकार देता है कि इसके आचरण के खिलाफ दंड विधि बनाए। यानी कि अगर कोई भी मौलिक अधिकार अपराध घोषित कर दिया जाए कि इसका उल्लंघन एक अपराध होगा तो उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। और संसद क्या करेगा, आर्टिकल 35 का प्रयोग करेगा। आर्टिकल 35 का प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 35 का प्रयोग करेगा। और संसद ने अनुच्छेद 35 का प्रयोग किया भी है। कैसे किया है, इसके तहत संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित कर दिया। क्या पारित कर दिया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित कर दिया। और 1976 में इसका नाम बदल दिया गया, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। राइट, यानी कि अगर कोई भी मौलिक अधिकार यह कह दे कि इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध है तो ऐसे में अनुच्छेद 35 का प्रयोग कर जो संसद है वह कानून बना देता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि अनुच्छेद 17 जो है केवल राज्यों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि व्यक्तियों के विरुद्ध भी है। तो व्यक्ति का मतलब आप लोग ऊपर समझ चुके हैं। अब कह रहा है कि उपाधियों का अंत, तो इसके लिए अनुच्छेद 18 है। इसके तहत राज्य केवल सेना और विद्या संबंधी उपाधि देगा। यानी कि सेना और विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा। इसको लाने का तात्पर्य था कि औपनिवेशिक काल में जो कुछ हम लोगों को उपाधि मिलती थी, राय बहादुर, दीवान बहादुर वगैरह, राय, राजा, तो इस प्रकार की उपाधि क्या होगी, मतलब कि नहीं दी जाएगी। सिर्फ दो ही उपाधि देगा राज्य, सेना का देगा और विद्या से संबंधित उपाधि देगा। अब उपाधि से संबंधित एक हम लोग थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था भारत में, उसको जान लेते हैं। बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ के संदर्भ में कोर्ट ने भारत रत्न, पद्म विभूषण व पद्मश्री को उपाधि के अंतर्गत नहीं माना। कुछ लोग कोर्ट चले गए, बोले कि भाई जो आप भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री दे रहे हैं यह भी एक उपाधि है। लेकिन कोर्ट ने बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ में कहा, नहीं भैया ये उपाधि नहीं है, यह अलंकरण है। क्या है, अलंकरण है। और इन राष्ट्रीय पुरस्कारों की जो संस्थापना थी वो 1954 में हुई थी। कब हुई थी, 1954 में हुई थी। और इसमें एक और डेवलपमेंट आपको देखेगा कि 1977 में मुरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने इसे बंद कर दिया था। अगर आपसे पूछा जाए क्या कभी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री बंद हुआ था, तो आप कहेंगे यस बंद हुआ था। पूछेगा कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1977 में मुरारजी देसाई वाली सरकार ने ऐसा किया था। लेकिन
इंदिरा गांधी की पुनः सरकार आती है, 1980 में यह पुनः शुरू कर दिया गया। अब तक हम लोगों ने समता का अधिकार और डेवलपमेंट देखा, मौलिक अधिकार। तो आइए इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? वह है अनुच्छेद 14। कानून के समान संरक्षण की बात करता है ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 14, फिफ्थ 14। तो आपका दूसरा का डी होगा। मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? भारत के सभी न्यायालय को, ये गलत है। संसद को गलत है, राष्ट्रपति को गलत है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। चूंकि जब हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जाते हैं 226 के तहत, राइट। किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार है? ए है ऑप्शन अनुच्छेद 122 से 145, बी है अनुच्छेद 12 से 35, सी है अनुच्छेद 12 से 45, डी है अनुच्छेद 130 से 140। तो आपका आंसर क्या होगा? बी, अनुच्छेद 12 से 35 तक ही मौलिक अधिकार आपके हैं। कौन सा अधिकार अस्पृश्यता का अंत करता है? ए अनुच्छेद 12, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा ही है अभी को, अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी का है ये। भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी जापान। तो आपका प्रॉपर आंसर क्या होगा? ए अमेरिका। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? ए 1978, बी 1976, सी 1988, डी 1951। तो आपका आंसर क्या है? 1978 में। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 145। तो आपका है 300 क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी पूछा जाता है, एक वर्तमान में एक लीगल राइट के रूप में है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? अभिव्यक्ति का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, यह मौलिक अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, यह मौलिक अधिकार है। अर्थात कि ऑप्शन सी जो है मौलिक अधिकार आपका नहीं है। मूल रूप से कुल कितने मूलाधिकार थे? तो जब मूल रूप से जब सब मतलब ए 6, बी 7, सी 5, डी 4, तो आपका क्या होगा? बी, मूल रूप से 7 था, जब संशोधन हो गया तब वो 6 हो गया। वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो आपका आंसर होगा 6 मूल अधिकार वर्तमान में हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो इसे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।